नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग रेसिंग खेलने वाले उस्तादों को, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। फॉर बम्बई रेस के लिए 23 नवंबर 2023, काफ़ी समय से मैं बम्बई रेस की वेट कर रहा था। ये थके मुके सेंटरों से तंग आ गया था, मैसूर, दिल्ली, हैदराबाद, सब गड़बड़ घोटाले वाले एंकी पैंकी सेंटर, मैं कहता हूँ छोटी छोटी बैटें करके टाइम पास, लेकिन बम्बई में ज़रा सीरियस बैटिंग मेरी होती है। लेकिन पहले दिन और लास्ट डे मैं तो बहुत कम खेलता हूँ भाइयों, और मेरी राय है आप लोग भी पहले दिन ज़रा टेक इट ईजी करो। ट्रैक का टाइमिंग और ट्रैक बायस कहते हैं, काफ़ी किताबें लिखी है ये सब्जेक्ट पे, यानी कि आगे वाले स्पीड वाले घोड़े जीतते हैं कि पीछे से आने वाले जीतते हैं, वो पता चल जाता है 2-3 रेस जाने के बाद। तो आज तो खाली सिर्फ 6 रेस है और 2-3 रेस में पेशी साहब के घोड़े फेवरेट है और भाव बड़े कमज़ोर है, तो खेलने की कोई आवश्यकता नहीं, सिवाय के प्लेस में कोई घोड़ा अच्छा मिले तो। बाकी चारानी आठानी पावली 30 पैसा वो सब मेरे बस की बात नहीं, और आप लोग को राय भी नहीं दूंगा कि ऐसा करो। बम्बई और पूना के रेस ट्रैक के जो स्ट्रेच है, यानी कि बैंड के बाद विनिंग पोस्ट तक, उसमें काफ़ी फर्क है भाइयों। बम्बई का स्ट्रेच काफ़ी लंबा है, पूना का काफ़ी शॉर्ट है। तो अगर आप पूना का रिकॉर्ड देखोगे तो मैंने बहुत सालों से मार्क करता हूँ, पूना के जीतने वाले यहाँ के हार जाते हैं और यहाँ के जो हारते हैं वो पूना जाके जीतते, तो ये बड़ी एक समस्या है। तो मैं तो पहले 3 दिन वेट करता हूँ, तो यानी कि 100-150 घोड़े भागेंगे, फिर उसका हिस्ट्री आ जाएगा, फिर चौथे दिन से मैं तलवार निकालता हूँ, पहले दिन से नहीं। तो मेरी राय है कि आप ज़रा पहले से धीरे धीरे जाइए। ये बड़ा सेंटर अच्छा है, इधर बड़ा झोलझाल थोड़ी होती है, होती तो सब में है लेकिन इधर थोड़ी कम होती है, तो इधर भाव का फ्लक्चुएशन जितना नहीं होता जितना मैसूर में। दिल्ली तो कुछ अलग प्राणी है, वो तो लास्ट मिनट पे जो पैसा लगे वही घोड़ा, बाकी सब पीछे बैठ जाते पकड़। तो चलो रेस पे चलते हैं। पहली रेस तो वेलकम ट्रॉफी 1200 मीटर की रेस, 1 नंबर पेशी भाई का घोड़ा डेमोक्रेसी, बहुत बढ़िया पेडिग्री अक्लेम करके शायर का है, बड़ा स्पीडी शायर था। क्रेसी ने उनका अप्रेंटिस भोसले को बिठाया हुआ है, 3.5 किलो का अलाउंस लिया है, टॉप वेट है, ज़रा कंसर्न है मेरे लिए, और भाव भी थकामुक्का 50-60 पैसा खुला है, शायद रेस के टाइम पे बढ़े अगर दो घोड़े लगे तो, एक घोड़े लगे तो। एक घोड़ा डेंजर जो हो सकता है मेरे हिसाब से वो क्रिस्टोफ नी 7 नंबर, वो 50 किलो पे है, इम्तियाज़ ने खाली एक रन लेके बैठा दिया है, अगर पैडक में कुछ ठीक ठाक दिखे और बैटिंग आए तो वो घोड़ा शायद डेंजर। और एडमास 2 नंबर मलेश का घोड़ा शायद प्लेस, नहीं तो टनाला फनाला के लिए आप देख सकते हो, बाकी सब ठीक ठाक घोड़े हैं। तो आप तो सब जानते हो मैं पैडक के बाद, ये मेरे पॉइंटर है, ये मेरी टिप्स नहीं, मेरी टिप्स पैडक के बाद। आप लोग आते हो बड़ी खुशी होती है, ज़रूर आओ, 200-250 जन आते हैं और बढ़ती ही जा रहा है। दूसरे देश में चलते हैं, द पी बी रशिया प्लेट स्क्रीमी 1 नंबर जुकारो, बहुत बढ़िया घोड़ा था है, लास्ट टाइम गेट दो बार भागा है, दोनों बार गेट से धीरे निकलता है, और ड्राइवर साहब ने कुछ गड़बड़ कर दी थी लास्ट टाइम निकला लास्ट, लेकिन ड्राइवर ने बैंड तक चलाया ही नहीं, और जब चलाया तो वो एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली राजधानी की तरह भागते भागते आया और थोड़े से बच गया। तो मेरे हिसाब से ये घोड़ा ये क्लास का है ही नहीं, मेडन क्लास का, आई मीन 4 क्लास का, ऊपर क्लास का घोड़ा है, जीतेगा, लेकिन भाव आपको 8 आने मिले तो ऊपर वाले की मेहरबानी, मुझे नहीं लगता 30 पैसे लास्ट में, तो 20-25 पैसे में बुकी लोग अंदर अंदर लगाएंगे, पेटी पटारा, मेरा लिखो मेरा लिखो मेरा लिखो। तो
संभाल के खेलना, प्लेस ब्लेस पेशी के दूसरे दो घोड़े हैं, अगर कुछ दिखाई दे अच्छे तो 6 नंबर और 7 नंबर, लेकिन दो ही प्लेस है तो कोई मतलब नहीं बनता, तो शायद रेस छोड़ दो तो बेहतर रहेगा। 20-25 पैसे में खेलने के वो भी घोड़ा लायक नहीं होता भाई। तीसरी रेस में चलते हैं, तीसरी रेस इन अ व्हाइट प्लेट 1400 मीटर की रेस। इसमें भी पेशी भाई का एक घोड़ा है बहुत बढ़िया, कोडी लिया 10 नंबर का, तो उसकी पेडिग्री बहुत महान है। उसकी माँ दाविया ने 3-4 स्प्रिंटर बना पैदा किए थे, डरायस बैराम जी के पास था उसका एक घोड़ा, वो 52 किलो पे भाग रहा है। लास्ट रन बहुत बढ़िया था, उसके पहले का रन भी बहुत बढ़िया था, विप शाय है, चाबुक से घबराने वाला घोड़ा है वो। लास्ट टाइम उमेश ने नो विप रेस थी तो इसलिए एकदम स्ट्रेट लाइक एरो भाग के 5 लेन से जीता, बहुत बढ़िया टाइमिंग 1:24 कर में, और उसके पहले चाबुक जैसे उमेश ने मारी तो रेलिंग में था, रेलिंग में से सीधा कूद के तीसरा चौथा बीच में आ गया, तो इसलिए वो हार गया था। तो मुझे मालूम है तो पेशी को भी मालूम है, वो शायद इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया वीप मत मारना। काफ़ी घोड़े ऐसे आते हैं जिसको चाबुक नहीं पसंद थी और भागना ही छोड़ देते। इसमें डेंजर एक घोड़ा है 8 नंबर गोल्डन ग्लो इम्तियाज़ सेठ का, वो भी 53 किलो पे भाग रहा है। वो घोड़ा का बॉडी वेट आप ज़रूर देखना, वो लास्ट 2 टाइम काफ़ी बॉडी वेट घटा रहा है, लास्ट टाइम तो 400 किलो के नीचे आ गया था, मैं खा गया था विन प्लेस में। तो ये अगर 15-20 किलो वजन बढ़ाओ तो ये घोड़ा डेंजर कर सकता है। दूसरा एक घोड़ा जो डेंजर कर सकता है 5 नंबर अमीरा सुंदर जी का घोड़ा, नीरज रावल चला रहा है। ये घोड़ा 2 बढ़िया रेस जीता और उसके बाद सुंदर जी समझा कि ये बड़ी क्लास का घोड़ा है तो डेक्कन पीली स्टार स्टेक्स में भेजा गया उसको। उधर ठीक ठाक भागा, कुछ खास नहीं, लेकिन वो ग्रेड 1 की रेस थी और ये आज 4th क्लास की रेस है तो उसका भी चांस बनता है। तो ये वैल्यू भाव देखना भाइयों, एक कुछ कोडी लिया 60-17 पैसे की वैल्यू का घोड़ा नहीं, मेरे हिसाब से 1-1.5 का भाव हो तो मैं खेलूँ बाकी जयराम जी की, तो नहीं तो फिर ये दोनों में से कोई प्लेस का भाव मिले तो 10 घोड़े हैं तो 3 प्लेस बनती। नेक्स्ट रेस में चलते, चौथी रेस रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब, ये क्लास 1 की रेस है। ये छोटी फील्ड जो होती है ना वो बड़ी फील्ड से बड़ी प्रॉब्लम वाली होती है, ये रेस भी गड़बड़ वाली रेस है क्योंकि वॉक इन 59 किलो पे 1 नंबर और वो भी फास्ट घोड़ी, 2 नंबर स्काईफॉल बहुत फास्ट आगे वाली भागने वाली वो 52.5 किलो पे, और ये 4 नंबर नरेंद्र लगड़ का जो थोड़ा सन बगन वो भी फास्ट गाड़ी 51 किलो। तो ये क्या होगा कि ये दोनों आगे जाके एक जन का दो जन का गला काट देंगे 4 नंबर और 2 नंबर, तो फिर वॉक इन को फायदा हो जाएगा, नहीं तो वॉक इन भी आगे गया तो इसके साथ कोई और भागेगा, गड़बड़ यानी छोटी छोटी रेसे पर इतना आसान नहीं, और भाव भी ऐसे ही खुले एक का दुआ दोनों डेढ़ के, तो मैं तो ये रेस छोड़ दूंगा क्योंकि अपने इसको कहते हैं लक ऑफ द रेस, वो लक ऑफ द रेस क्या होगा वो ऊपर वाला भी सहदेव नकुल साहब आए ना महाभारत से तो भी उनको नहीं पता क्या होने वाला। 5वीं रेस में चलते हैं, 5वीं रेस तो भाइयों क्लास 5B की है। आप जानते हो कि मैं क्लास 5B की रेस नहीं खेलता, मेरी काफ़ी राय है कि आप भी मत खेला करो सिवाय के कोई पैडक में रेस में दिखाई दे। इसके कारण है ये घोड़े अनरिलायबल होते हैं, 2 रेस कंसिस्टेंट नहीं भागते, यानी कि एक बार जीतेंगे फिर दूसरी बार आपको लगेगा अरे यार लास्ट टाइम बहुत बढ़िया भागा था तो आज ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उनका क्लास ही ऐसा है, इसलिए वो लोग क्लास 5B में भाग रहे। जब तक आपको ये समझ में नहीं आता तब लोग सब लोग
आ जाते मेरे पैडक रिव्यू में बना रहे, वो छोड़ दो, छोड़ना नहीं चाहते। बस हर देश में लूटफाट कर, लूटफाट नहीं होती भाई, बुकी वाले पैसे कमाते अपन रह जाते। तो ये आप मेहरबानी करके ये रेस छोड़ दो तो अच्छा है। तो टिप देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये नरेंद्र लगाड़ के दो तीन घोड़े हैं, फिर ये शाह साहब का घोड़ा है डैगर स्ट्राइक, लास्ट टाइम बड़ा इम्प्रेसिव जीता था, पर इसका मतलब नहीं कि आज भी वैसा ही भागेगा जो लास्ट टाइम। लास्ट रेस में चलते हैं, उसमें एक घोड़ा मुझे बहुत पसंद है, छठी रेस में 3 नंबर सुपर इम्पोज करके घोड़ा है वो घोड़ा काफ़ी, दोनों बार वो लोग ने बड़े बड़े गैम्बल किए थे विन प्लेस में, और एक रन तो उसका बहुत बढ़िया था, एक एम के जाधव का बहुत बढ़िया मिस अमेरिकन पाए के साथ, अगर वो रन जो रिपीट किया तो रेस ख़त्म हो जाएगी। उसमें ये जुकौर और जुकौर भी 400 किलो के नीचे वाला घोड़ा है, और जो डाउजा बेल है वो 7 साल का है, तो इसलिए ये मेरे हिसाब से ये सुपर इम्पोज ठीक ठाक, और पूरे दिन में बाकी पेशी साहब के घोड़े सब ऑन मनी है, सुपर इम्पोज का आपको 1.5 का भाव मिल जाएगा। तो ऐसी बात है भाई, पहले दिन है, ज़रा धीरे धीरे जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन मंगलमय रहे। आप ज़रूर शेयर करना, मेरे हिंदी के क्लाइंट थोड़े कम है, आप हिंदी बोलने वाले रेस खेलने वाले मित्रों को फॉरवर्ड किया करो, और मेरी पैडक रिव्यू में फ्री हो तो ज़रूर आइए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।